हाय फ्रेंड्स, नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। आई एम बलराम गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड नवभारती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जयपुर। तो दोस्तों, आज मैं बीएड सेकंड ईयर के अनिवार्य प्रश्न पत्र ईपीसी थर्ड के भाग सात को लेकर उपस्थित हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो आईसीटी है, आईसीटी के अंतर्गत आने वाली चुनौतियां हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था, तो आज हम सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी प्रणाली के अंतर्गत आने वाली बाधाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वह है विषय सूचना एवं संप्रेषण, सूचना एवं संप्रेषण प्रणाली में आने वाली बाधाएं। कहने का मतलब, सूचना एवं संप्रेषण प्रणाली में आने वाली बाधाएं क्या होती हैं? संप्रेषण के अंतर्गत आने वाली बाधाओं के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो संप्रेषण में आने वाली बाधाओं में जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो होता है भाषाई बाधाएं। जब हम संप्रेषण कार्य करते हैं और हमारी भाषा ही प्रभावशाली नहीं है, भाषा में ही कोई दोष है, तो हमारा जो संप्रेषण कार्य है वो कभी भी प्रभावशाली नहीं हो सकता। कहने का मतलब, वाणी दोष है, श्रवण दोष है, गलत उच्चारण करना है, भाषा का ज्ञान नहीं होना है, यानी कि कोई विकलांगता है, शारीरिक विकलांगता है, जिसके कारण हम भाषा का प्रयोग अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। और जब भाषा का प्रयोग ही अच्छे ढंग से नहीं करेंगे तो हमारा जो संप्रेषण कार्य है वो भी अच्छे ढंग से होना संभव नहीं है। तो कहने का मतलब, भाषाई बाधाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है संप्रेषण के अंतर्गत, जिससे कि संप्रेषण कार्य प्रभावशाली होता है। यदि हम भाषाई बाधाओं को दूर करके संप्रेषण कार्य करते हैं तो हमारा जो संप्रेषण कार्य है वो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे इसके अलावा है भौतिक बाधाएं। भौतिक बाधाएं के अंतर्गत दोस्तों आता है कि जो हमारे प्रसारण यंत्र हैं, जो प्रसारण संसाधन हैं, उनके अंतर्गत कोई दोष तो नहीं है। यदि संप्रेषण कार्य करते वक्त प्रसारण यंत्रों में ही दोष होगा, संसाधनों में ही त्रुटि होगी, तो हमारा जो संप्रेषण कार्य है वो कभी भी प्रभावशाली नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि संप्रेषण कार्य में जो आने वाली बाधाएं हैं वो एक भौतिक बाधाएं भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए निभाती हैं क्योंकि जब हमारा माध्यम ही सही नहीं है, जिस माध्यम के द्वारा हम संप्रेषण कार्य कर रहे हैं उस माध्यम में ही खोट है, तो हमारा संप्रेषण कार्य कभी भी प्रभावशाली नहीं हो सकता। इसके अलावा आता है पूर्व अनुभव। पूर्व अनुभव एक ऐसा पहलू है जो संप्रेषण कार्य को प्रभावित करता है। अब पूर्व अनुभव में दोनों बातें आती हैं। पूर्व अनुभव कभी कभी सहायक सिद्ध भी हो जाता है तो कभी नकारात्मक सिद्ध भी हो जाता है। पूर्व अनुभव संप्रेषण कार्य में एक ऐसी भूमिका निभाता है कि वो सहायक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। और इसके अलावा अनिच्छा। अनिच्छा एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि संप्रेषण कार्य को बाधित करता है। मान लो किसी कार्यालय के अंतर्गत दो अधिकारी आपस में बात करने की इच्छा नहीं करते हैं, संवाद करने की इच्छा नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं संप्रेषण प्रभावित होगा। इसका मैं आपको करंट उदाहरण देना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले माननीय अशोक गहलोत ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरा पूर्व पीसीसी अध्यक्ष माननीय सचिन पायलट के साथ कभी संवाद ही नहीं हुआ, कभी बात ही नहीं हुई। तो इस बात से जाहिर होता है कि उनकी उनसे बात करने की इच्छा ही नहीं थी। और जब इच्छा नहीं थी तो ऐसे कार्य
जब इस प्रकार का जो कार्य होता है, इस प्रकार का जो संप्रेषण होता है, उसमें कहीं ना कहीं सफलता हासिल नहीं होती है, कहीं संप्रेषण कार्य सफल नहीं हो सकता है, उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं आती हैं, जो गवर्नमेंट में अभी आपको देखने में आई थी। वो किसका कारण था? यानी कि एक अनिच्छा का कारण था। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि जो संप्रेषण कार्य है उसमें अनिच्छा एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है, महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कि संप्रेषण कार्य को प्रभावित करता है। इसके अलावा व्यक्तिक विचार, जो व्यक्तिक विचार होते हैं, व्यक्तिगत विचार होते हैं, वो भी संप्रेषण कार्य को प्रभावित करते हैं। अब वो प्रभावित कैसे करती हैं? यानी कि आपने देखा होगा, मान लो व्यक्ति के जो व्यक्तिगत विचार हैं, जो मानसिक विचार हैं, स्नेह है, क्रोध है, घृणा है, प्रसन्नचित्त है, ये सब जो मानसिक विचार हैं, ये संप्रेषण कार्य को प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा जब एक अध्यापक प्रसन्नचित्त मुद्रा में संप्रेषण कार्य करता है, कक्षा में संप्रेषण करता है, तो उसका जो संप्रेषण कार्य है वो बहुत ही प्रभावशाली होगा। और मान लो कोई अध्यापक किसी पारिवारिक कलह के कारण प्रसन्नचित्त नहीं है, वो क्रोध की स्थिति में है, और फिर संप्रेषण कार्य कक्षा में करता है, तो वो जो संप्रेषण कार्य है वो प्रभावित होगा, वो उसमें बाधा उत्पन्न करेगा, यानी कि वो कैसी भी स्थिति में प्रभावशाली नहीं हो सकता। कहने का मतलब मेरा यही है कि ये जो बिंदु हैं वो संप्रेषण कार्य को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, यानी कि संप्रेषण कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे नंबर एक है, भाषाई बाधाएं। भाषाई बाधा के अंतर्गत दोस्तों आता है कि जो भाषा से संबंधित बाधाएं, जैसे वाणी दोष, वाणी दोष, श्रवण दोष, श्रवण दोष, गलत उच्चारण, गलत उच्चारण, भाषा का ज्ञान ना होना, भाषा का ज्ञान ना होना। कहने का मतलब जो भाषा के अंतर्गत जो बाधा आती है, जिनकी वजह से बाधा आती है भाषा के अंतर्गत, उनमें फॉर एग्जांपल वाणी दोष, यदि बोलने की शक्ति ही नहीं है, वाणी में ही कोई दोष है, जैसे वाणी दोष से मेरा तात्पर्य है जैसे कोई बोलने में सक्षम ठीक से ना हो, जैसे इसका करंट उदाहरण जान ले, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनके बोलने में कुछ त्रुटि होती है क्योंकि वो कुछ हकलाते हैं बोलते वक्त, तो वो भी क्या है, संप्रेषण में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि संप्रेषण कार्य में यह आवश्यक है कि उसके अंतर्गत वाणी दोष नहीं होना चाहिए। तो वाणी दोष भी अपने आप में, यानी कि संप्रेषण में, एक प्रभावशाली भूमिका अदा करता है। अब इसी वजह से गहलोत साहब ने बोला था कि सचिन पायलट अच्छा बोलते हैं, अच्छा दिखते हैं, अच्छा व्यक्तित्व है, तो इससे कोई अच्छा नहीं बन जाता, अच्छा बन, तो ऐसी मेरा कहने का मतलब यहां यही है कि वाणी दोष भी अपने आप में संप्रेषण को प्रभावित करता है। श्रवण दोष भी वही संप्रेषण को प्रभावित करेगा, क्योंकि संप्रेषण कार्य में यह आवश्यक है कि सुनने की शक्ति भी विद्यमान होनी चाहिए। इसके अलावा गलत उच्चारण करेंगे तो संप्रेषण कार्य अच्छा नहीं होगा। गलत उच्चारण के अलावा है भाषा का ज्ञान ना होना। बहुत से व्यक्ति आपस में संप्रेषण कार्य करते हैं, लेकिन मान लो एक तो भाषाविद है और एक को भाषा का ज्ञान ही नहीं है, तो संप्रेषण कार्य प्रभावित होगा, अवश्य होगा, क्योंकि भाषा का समझ पाना मुश्किल हो जाता है उसमें, और जब भाषा का समझ पाना मुश्किल हो जाता है तो संप्रेषण जो कार्य है वो भी प्रभावशाली नहीं हो सकता। नेक्स्ट है भौतिक बाधा।
भौतिक बाधा। दोस्तों भौतिक बाधा के अंतर्गत आती है जैसे कि प्रसारण यंत्रों में दोष, प्रसारण संसाधनों की कमी। कहने का मतलब जो प्रसारण यंत्रों में दोष है, जब जिस माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं, जिस माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं, उस माध्यम में ही दोष है, उस माध्यम में ही खोट है, उसमें ही त्रुटि है, तो संप्रेषण कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यह है कि संप्रसारण यंत्रों में दोष संप्रेषण को बाधित करते हैं। इसके अलावा प्रसारण संसाधनों की कमी, मान लो कभी कभी क्या होता है कि प्रसारण के संसाधनों का होना भी अति आवश्यक हो जाता है। मान लो किसी भीड़ में हम भाषण दे रहे हैं और भीड़ में जब भाषण दे रहे हैं तो हमारे पास प्रसारण के संसाधन नहीं है, तो हम उस भाषण को सभी तक पहुंचा नहीं सकते हैं। तो इसलिए अच्छे संप्रेषण के लिए आवश्यक हो जाता है कि प्रसारण संसाधनों में कमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्रसारण के जो संसाधन है वो उचित मात्रा में होने चाहिए। संप्रेषण यंत्रों में दोष नहीं होना चाहिए और प्रसारण संसाधनों में कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जो बाधाएं हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो कहने का मतलब संप्रेषण की जो बाधाएं हैं वो प्रसारण यंत्रों में दोष और प्रसारण संसाधनों की कमी, ये संप्रेषण की बाधाओं के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अनिच्छा। जब एक ही कार्यालय के अंतर्गत दो समान पद वाले अधिकारी संवाद नहीं करते हैं तो संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। देखिए दोस्तों अनिच्छा, जब एक ही कार्यालय के अंतर्गत दो समान पद वाले अधिकारी संवाद नहीं करते हैं तो संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कहने का मतलब एक ही कार्यालय के कर्मचारी, उनके अंदर कोई ईगो पैदा हो जाता है और वो बात करने की अनिच्छा जाहिर करते हैं, आपस में संवाद नहीं करते हैं, तो उनका जो संप्रेषण है वो प्रभावित हो जाता है, यानी कि संप्रेषण के अंतर्गत बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट है पूर्व अनुभव। पूर्व अनुभव संप्रेषण कार्य को सहायक भी हैं, यानी कि प्रभावित करते भी हैं, यानी सकारात्मक पहलू के लिए भी जाते हैं और नकारात्मक पहलू की ओर जाता है, यानी कि पूर्व अनुभव कभी तो संप्रेषण में सहायक सिद्ध हो जाते हैं तो कभी पूर्व अनुभव
नकारात्मक सिद्ध हो जाते हैं। और जब नकारात्मक सिद्ध कब होते हैं? जब उनका ओवर कॉन्फिडेंस सामने आता है। पूर्व अनुभव कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण संप्रेषण को बाधित कर देते हैं। तो कहने का मतलब पूर्व अनुभव कभी कभी पूर्व अनुभव संप्रेषण में सहायक सिद्ध होते हैं, तो कभी कभी पूर्व अनुभव संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करती है। देखिए, कभी कभी पूर्व अनुभव संप्रेषण में सहायक सिद्ध होते हैं, तो कभी कभी पूर्व अनुभव संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब पूर्व अनुभव जो होते हैं वो संप्रेषण कार्य में कभी कभी सहायक सिद्ध हो जाते हैं, तो कभी कभी बाधा उत्पन्न करते हैं। और जब ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति आ जाती है पूर्व अनुभव में, तो वो संप्रेषण को प्रभावित करते हैं, यानी कि नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिक बाधाएं। व्यक्तिक बाधाओं के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? कि जो व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार, मानसिक विचार, स्नेह, घृणा, क्रोध, ये जो सब विचार हैं, वो यदि संप्रेषण कार्य पर प्रभावित करते हैं, यानी संप्रेषण कार्य को प्रभावित करते हैं, तो वो संप्रेषण कार्य सकारात्मक और नकारात्मक की ओर चला जाता है। जैसे व्यक्तिगत विचार मानसिक विचार, घृणा, स्नेह, क्रोध आदि चित्तवृत्ति संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। यानी कि व्यक्तिगत विचार, मानसिक विचार, घृणा, स्नेह, क्रोध आदि चित्तवृत्ति संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब जो संप्रेषण कार्य होता है उसमें मानसिक विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि अध्यापक अच्छे मन से, अच्छी प्रसन्न चित्त मुद्रा में कक्षा में जाता है, तो उसका जो संप्रेषण कार्य है वो बहुत ही अच्छा होगा, प्रभावशाली होगा। और यदि वो क्रोध की स्थिति में, यानी किसी पारिवारिक कलह के कारण और क्रोध की स्थिति में कक्षा में जाता है, तो संप्रेषण कार्य नकारात्मक होगा। तो कहने का मतलब व्यक्तिगत विचार संप्रेषण की एक महत्वपूर्ण बाधाएं होती हैं। यदि व्यक्तिगत विचार अच्छे होंगे तो संप्रेषण कार्य भी अच्छा होगा। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण।
देखिए दोस्तों, संप्रेषण में एक महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वह है ध्वनि प्रदूषण। यदि आपका संप्रेषण कार्य होता है, आप संप्रेषण कार्य करते हैं और यदि ध्वनि प्रदूषण है तो ऐसी स्थिति में आपका संप्रेषण कार्य शून्य माना जाएगा। आपने देखा होगा, आप किसी शादी विवाह पार्टी में हो और आपका मोबाइल पर फोन आता है तो क्या आप उस स्थिति में बात करने में सक्षम होते हैं? नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि आपका जो संप्रेषण हो रहा है उस संप्रेषण में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो ध्वनि प्रदूषण की स्थिति में संप्रेषण कार्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो संप्रेषण में ध्वनि प्रदूषण होने पर संप्रेषण की कल्पना करना भी मुश्किल कार्य होता है। यानी कि संप्रेषण में ध्वनि प्रदूषण होने पर संप्रेषण की कल्पना करना भी मुश्किल कार्य होता है। इस बात से यह जाहिर हो जाता है कि संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि ध्वनि प्रदूषण का ना होना, और जब ऐसी स्थिति होगी तो हमारा जो संप्रेषण कार्य है वो अच्छा होगा। कहने का मतलब, संप्रेषण के अंतर्गत आने वाली जो ये बाधाएं हैं, चाहे वो व्यक्तिगत विचार हो या व्यक्तिगत बाधाएं हो या पूर्व अनुभव से संबंधित बाधा हो या भाषाई बाधा हो या भौतिक बाधाएं हो या अनिच्छा से रिलेटेड बाधाएं हो, इन सब बाधाओं को दूर करके हम एक अच्छा और प्रभावशाली संप्रेषण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।